बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एचडी कंसल्टेंट से मैं हूं हमजा दुरानी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको एडवांस ईद मुबारक। और चूंकि ईद है तो आपको हमारी तरफ से भी कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए, तो आज हम आप 4.5 मल्ला डेढ़ स्टोरी घर का विजिट करेंगे खुद के प्रोजेक्ट, जिसका सबसे पहले आप फ्रंट एलिवेशन देखें। माशाल्लाह खूबसूरत सा इसका फ्रंट एलिवेशन है। और इस घर की मैंने वीडियो अपलोड की हुई थी चूंकि विजिट कराने के लिए, चूंकि बहुत सारे क्लाइंट्स कह रहे थे कि ये 7 तोला घर, तो ये फुल फर्निश्ड हो चुका है। अंदर छोटा मोटा वॉल्स का काम रह चुका है, पेंट होना रह चुका है, बाकी सारा काम कम्प्लीट है। गेट का आप डिजाइन देखें, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत डिजाइन है। और यहाँ पर आपको येलो कलर में, लाइक गोल्डन कलर में आपको टैग भी मिल जाता है। इस तरफ आपको प्लांटिंग की काफी स्पेस मिल जाती है। और इसका अभी रैंप बनना बाकी है, चूंकि ईद का सीजन है तो हमने कहा आपको गिफ्ट दे देते हैं। बात करें इसकी फैसिलिटीज की, तो यहाँ पर आपको वाटर बोर की मिलती है फैसिलिटी, और वाटर सप्लाई भी है यहाँ पर, और गैस भी इस एरिया में मौजूद है। स्ट्रीट व्यू आप देखें, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आपको स्ट्रीट व्यू मिल जाता है। यहाँ से सीधा सामने डिफेंस रोड है। इस तरफ अगर आप देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपको अस्करी 14 के फ्लैट्स भी मिल जाते हैं, जो कि आप छत से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत व्यू के तौर पर एंजॉय करना चाहें तो कर सकते हैं। फैसिलिटीज आपको मैंने गाइड कर दी। जो फ्रंट स्ट्रीट है इसकी 25-30 फीट इसकी फ्रंट स्ट्रीट है, और यहाँ पर सामने ही आपको कमर्शियल एरिया भी मिल जाता है। लाइक कमर्शियल एरिया के लिहाज से और फैसिलिटीज के लिहाज से बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। चलते हैं घर की तरफ। घर माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट है, इसमें हर चीज की गारंटी हम लेते हैं। इसमें आपको आबशार भी मिलती है इस घर के अंदर, और माशाल्लाह डिमांड के लिहाज से बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। आ जाए घर की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, हम घर के अंदर एंटर हो चुके हैं, जहाँ पर सबसे पहले आपको टाइल वर्क दिखाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। टाइल वर्क देखें, बहुत ज्यादा खूबसूरत। सीलिंग देखें, उससे भी ज्यादा खूबसूरत, माशाल्लाह प्यारी सी। और इस तरफ आपको आपको कैमरामैन करीब से दिखा देते हैं। इसके आबशार आप देखें, आबशार आपको यहाँ पर, बाज जो घर होते हैं वहां पर आपको आबशार नहीं, यहाँ पर आपको वॉशरूम मिलता है। यहाँ पर वॉशरूम का ही सोचा, लेकिन क्योंकि हमारे कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजर ने सोचा यहाँ पर आबशार, जो इस घर की खूबसूरती बढ़ाएगी। इस तरफ आपको सेकंड पोर्शन के लिए रास्ता मिलता है, और इस तरफ आपको डबल डोर आप कैसे देखते हैं, डबल डोर में आपको मेन एंट्रेंस मिलती है घर की। आ जाए मेरे साथ। जी व्यूअर्स, हम एंटर हो चुके हैं डबल डोर से घर की तरफ, जहां पर सबसे पहले आपको किचन दिखाते हैं। किचन माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत किचन है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन के अंदर, जो कि मेरा फेवरेट है। रेड एंड ब्लैक और ब्लैक एंड व्हाइट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं किचन के लिए। अगर आपने घर बनाना भी हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आपको बर्नर इंस्टॉल मिलता है, नीचे चूल्हा इंस्टॉल मिलता है, ऊपर से आपको सामने विंडो भी मिल जाती है ताकि लाइट आपको आती रहे। और हम स्पेस भी तो देखेंगे काम कैसा किया, अब हमारा काम है हम देखें भी तो सही कैसा काम किया। तो ये आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक्स आपको लगे मिलते हैं, और काफी स्पेस आपको नीचे भी मिल जाती है, नीचे आपको ड्रॉस भी काफी स्पेस में मिल जाते हैं। इस तरफ आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो, और ऊपर बर्नर के लिए एग्जॉस्ट की स्पेस छोड़ी हुई है, लाइक इसका पाइप जाके वहां से बाहर सीधा सीधा बाहर हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसके ऑपोजिट आपको दिखाते हैं, तो आपको मीडिया वॉल मिलती है। मीडिया वॉल का कलर कॉम्बिनेशन देखें, ब्लैक एंड व्हाइट बहुत ज्यादा खूबसूरत कलर में। और सीलिंग आपको कैमरामैन दिखा देते हैं, माशाल्लाह प्यारी सी सीलिंग है, अट्रैक्टिव सीलिंग है। चलते हैं इनके मास्टर बेडरूम्स की तरफ, तो आ जाइए मेरे साथ। ये इसका फर्स्ट मास्टर बेडरूम है, आप देखें 5 मरले से भी ज्यादा इसकी स्पेस है। सबसे पहले टाइल वर्क आपको कैमरामैन दिखाते हैं, व्हाइट कलर का खूबसूरत टाइल वर्क है। इस तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको वॉल पेपर मिलता है, यहाँ पर अभी वॉल्स गीली हैं, इस वजह से इनका पेंट नहीं किया हुआ। सीलिंग आप देखें, माशाल्लाह प्यारी सी इसकी सीलिंग है। और इस तरफ आपको मिल जाती है ड्रेसिंग की स्पेस, ड्रेसिंग आप देखें आपको काफी स्पेस मिल जाती है ड्रेसिंग के अंदर भी। और इस तरफ आपको ड्रॉज टाइप मिल जाते हैं, केबिन छोटे से, और इसके साथ अटैच बाथ की अगर हम बात करें तो आप देखें ये इसका बाथ है, जिसका सबसे पहले आप टाइल वर्क देखें, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव येलो कलर का टाइल वर्क है। स्पेस आप देखें, शॉवर लगे हुए, सीलिंग छोटी मोटी हुई भी है, जिसका कलर अभी होना बाकी है। जी वर्स, आपने ये रूम तो देख लिया, अब इसके चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ, तो आ जाए मेरे साथ। ये इसका सेकंड बेडरूम है, जहां पर सबसे पहले आपको सामने वॉलपेपर मिलता है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत वॉलपेपर। सीलिंग अगर आप देखें तो माशाल्लाह प्यारी सी इसकी सीलिंग है, खूबसूरत सी। और यहाँ पर आपको मैंने उस रूम में ही बताया कि अभी ये वॉल्स गीली है, इसलिए पेंट नहीं किए हुए। बाद लोग कर देते हैं पेंट, लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि हमारे अपने प्रोजेक्ट है, आपको पता है गारंटी हम देते हैं अपने काम की। तो यहाँ पर आपको अभी वॉल पर अभी पेंट होना बाकी है व्हाइट कलर का। यहाँ पर आपको ड्रेसिंग दिखा दें, ड्रेसिंग की आपको काफी स्पेस मिल जाती है ड्रेसिंग की, और बहुत ही ज्यादा, मतलब कि जो 4.5 मरले के हिसाब से ये जो रूम्स है इनमें काफी आपको स्पेस मिलती है। बाथ की तरफ चलते हैं, तो बाथ का टाइल वर्क बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव टाइल वर्क यहाँ पर आपको मिल जाता है, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको विंडो और ऊपर एग्जॉस्ट की भी आपको स्पेस मिल जाती है।
घर का आपने फर्स्ट पोर्शन देख लिया माशाल्लाह, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत काम हुआ है इसका, और कुछ काम अभी इसका रहता है। अब इसके चलते हैं सेकंड पोर्शन की तरफ, जहाँ पर आपको मैंने कहा था डेढ़ स्टोरी एक रूम है अटैच बाथ के साथ, बाकी पीछे आपको स्पेस मिलती है जहाँ से व्यू लोकेशन और डिमांड आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको 5 फीट की स्टेयर्स मिल जाती है जिनके ऊपर मार्बल का काम हुआ है और ग्रिल स्टील की लगी हुई है। जी वर्ड, हम सेकंड पोर्शन पर एंटर हो चुके हैं जहाँ पर सबसे पहले आपको जो दिखाने वाली चीज है वो इसका व्यू है। आप इसका व्यू देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आपको यहाँ से व्यू मिल जाता है, ये सीधा आगे रोड, सीधा आगे मेन रोड को निकलती है, और इसके सामने अगर आप देखते हैं तो आपको ये फ्लैट्स, एसके 14 के फ्लैट्स आपको मिल जाते हैं। बहुत ही ज्यादा प्यारा व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर आपको व्हाइट कलर की टाइल आपको वर्क मिलता है। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट सेकंड पोर्शन के फर्स्ट मास्टर बेडरूम में और पूरे घर के थर्ड मास्टर बेडरूम में। तो आज मेरे साथ जी व्यूअर्स, ये इसका थर्ड मास्टर बेडरूम है। स्पेस सबसे पहले आप इसकी चेक करें, आपको काफी स्पेस मिल जाती है। यहाँ पर अभी पेंट होना बाकी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन हमने कहा आपको ईद का गिफ्ट देते हैं, ईदी दे देते हैं, तो इसलिए आपको मैंने वीडियो बनाई। यहाँ पर सामने आपको विंडो भी मिल जाती है जो कि छोटा मोटा आप व्यू एंजॉय करने चाहिए, आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस तरफ आपको अटैच बाथ की स्पेस मिलती है। बाथ की अगर हम स्पेस की बात करें तो आपको काफी स्पेस मिलती है। टाइल वर्क बहुत ज्यादा खूबसूरत टाइल वर्क है, अट्रैक्टिव टाइल वर्क है, और ये आप देख सकते हैं इसकी भी शॉवर स्पेस, बाकी है वेंटिलेशन प्रॉपर हुई भी है। जी बस हम छत पर आ चुके हैं जहाँ पर सबसे पहले आपको क्या चीज दिखाएंगे वो है जी चीज व्यू। सबसे पहले आपको व्यू दिखाते हैं, तो व्यू आप देख सकते हैं सामने आपको एसकेरी 14 के फ्लैट्स मिलते हैं, और इस तरफ अगर आप देखते हैं तो ये सीधा मेन रोड का रास्ता निकलता है, और आपको अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको डिफेंस रोड की जगह मिलती है, बैक सारा डिफेंस रोड है। और इसकी अगर लोकेशन आपको गाइड करूंगा, अडियाला रोड रावलपिंडी में डिफेंस रोड से भी रास्ता आता है, और जंजुआ टाउन मेन अडियाला रोड रावलपिंडी से में भी दरमिड में लोकेटेड है। और बात करें इसकी डिमांड की, जो ऑनर की तरफ से रखी गई है सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ पे, जिसमें अभी भी कमी पेशी और वक्त दोनों मुमकिन है। बाकी हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।